अस्सलामुअलैकुम, अभी अभी कार्ड लेके आए हैं बच्चे का और अभी अभी गुम हो गया। एक महीने में पहले तो गुम हो गया, अब अभी यहीं से बैंक से बस यहाँ पे दो कदम खड़े थे। फिर अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू, आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। तो आज हम बैंक रफा जा रहे हैं क्योंकि हमारा काम था, मैं बताता हूँ। वो काम ये था कि जिस तरह आलियान से चीज़ें टूटती हैं उस तरह गुम भी आजकल हो रही हैं। तो हमें न्यूली कार्ड मिला था, हमारा एटीएम कार्ड, तो आलियान से पता नहीं कहाँ खो गया है। कल ही जब हम बाज़ार गए थे उससे पहले एटीएम गया था और बाज़ार, बस अब कोई पता नहीं कि वो कार्ड किधर है। तो अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने कहा चलो भाई बैंक दोबारा चलते हैं। जी काम पूरा दे था, बैठ था। हाँ बोतल गिरी उसका, वो भी हो गया नुकसान। वैसे आलियान से चीज़ें गिरती रहती हैं, दूध की बोतलें होती हैं, शीशे की चीज़ें स्पेशली टूट जाती हैं, ये आलियान की खासियत है। बस आईफोन इसका है वो इससे नहीं टूटता, ये बात है। तो बस लेकिन उसमें पैसे भी थे बहुत सारे, उसके कल ही आए थे। लेकिन ये है कि कोड होता है, कोड के बगैर कोई आपका कुछ भी नहीं कर सकता, तो यही फ़ायदा होता है। तब हम जा रहे हैं दोबारा कार्ड बनवाने, आप देखते हैं कि कितने दिन लगते हैं। हमने कहा कि आपको भी साथ में लेते चलते हैं और दिखाते हैं भी। ये देखें यस का, यही जो इलाका था जहाँ से हम निकले हैं वो सफाया है, जो कि महंगा तरीन जहाँ बिलियनियर्स रहते हैं। ये ट्रेन की पटरी है भाई इधर से, एंट्री मारो। लेकिन इधर ये देखें भाई, ये क्या सिचुएशन हो गई। यहाँ से नहीं जा सकते भाई, यहाँ स्लोप है, आगे फिर पीछे ही लेना पड़ेगा। करीब हमारी हॉस्टल है, ये देखें भी उसी जगह पहुंच गया बैंक दोबारा। उस दिन भी व्यू दिखाया था, चलो मैंने कहा आज भी दिखा दें। ये है बैंक, यहाँ बैंक्स बहुत हैं, आपको एटीएम बहुत बहुत मिलेगा क्योंकि एटीएम ही यहाँ पे यूज होती है। ये है बैंक, बैंक का लुक अंदर से कूचक सी होती हैं, मतलब छोटी सी। ये वो मशीन है जहाँ हम एटीएम कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं हम, अगर किसी दुकान पर जाएं सबके पास इस तरह की होती है। तमाश से बाश पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो से फन आवरी रिफा पर देश। ये इधर का लुक है, ऊपर भी इसकी दूसरी मंजिल पर कुछ ना कुछ है। टाइम बोर्ड भी हमारा बैंक से काम हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सुना था क्योंकि हमें टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि हमारा अकाउंट तो बना हुआ था, फिर उन्होंने उसी वक्त कार्ड तो उसी वक्त निकल जाता है ना, उसी वक्त उन्होंने फिर न्यू हमें कार्ड बना के दे दिया, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ उनके पास थे। अब हम देख रहे हैं कि हमारी अमाउंट सारी इसमें आ गई। अस्सलामुअलैकुम, अभी अभी कार्ड लेके आए हैं बच्चे का और अभी अभी गुम हो गया है। एक महीने में पहले तो गुम हो गया, अभी यहीं से बैंक से बस यहाँ पे दो कदम खड़े थे। फिर अस्सलामुअलैकुम भाई, तो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, उस दिन भी गए थे लेकिन आज फिर आलियान की शॉपिंग है। स्नैप हमारी आ गया तो चक मार दोबारा चलते हैं। ओके ये भी सलाम आवा, तो
धूप है, इस साइड पे धूप है। बैंक को अलाफिस का है क्या, हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल हमारी है अब चकमाक, अमीर चकमाक, जो कि यहाँ का बहुत बड़ा बाजार भी है और सस्ता वो पड़ जाता है वो बहुत, हालांकि महंगाई है ईरान में लेकिन वो बाकी से सस्ता है। तो इस वजह से हम आपको शॉपिंग करने जा रहे हैं, आने आने लेने शूज़ जैकेट्स और कपड़े वगैरह, क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ वगैरह आ गई हैं। तो लेट्स सी कि आज क्या रेट्स हैं, बाज़ार हो तो ओपन हो और हमें चीज़ें भी पसंद आ जाए। बाकी आलियान के आपने हालात देखे हैं, सितारे के देखे हैं। अस्सलामुअलैकुम, तो हम लोग चकमाक में पहुंच गए हैं, तो अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ की वैरायटी शूज़ वगैरह। और एक शॉप है, हमने उनसे पूछा है कि वीडियो बना लें, तो उन्होंने इजाज़त दे दी और प्राइस करके आपको बता दें। फर्स्ट तो आप लोग ये शूज़ देखो, बहुत खूबसूरत हैं, स्पेशली ये जो ब्लू और ये रखे हुए हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मैं ऑलरेडी शूज़ ले चुका हूँ, तो इस वजह से मैं अभी शूज़ नहीं ले रहा। आज आलियान का दिन है, तो ये आलियान ने इस वैरायटी में शर्ट ली, आप लोग देख सकते हैं। ये तकरीबन हमें पड़ी है 1100। इसके अलावा आप लोग यहाँ की चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ चीज़ें खूबसूरत बहुत होती हैं ईरानी, अगर आप बात करें ना ईरानी चीज़ों की। बट ये है कि वो थोड़ी बहुत महंगी होती हैं। प्राइस अगर आपके पास पैसे हैं तो यू कैन इन्जॉय एवरीवन, तो यहाँ पे स्टफ़ देख सकते हैं। यहाँ के इस तरह की मैंने पाकिस्तान से 2500 के लिए है, लास्ट शॉप से पूछी थी वो यहाँ 5000 की थी आई थी। बाकी वैरायटी के हवाले से फैशन वगैरह ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं वैसे देखिए। और कुछ शानदार ये कोट वगैरह हैं, आप लोग देख सकते हैं अच्छे हैं बहुत। साइज़ वगैरह का फ़र्क भी होता है, चलो इन चीज़ें आपको अच्छी मिल जाएंगी। ये शर्ट्स भी ऊपर खड़ी ऊपर वाले, आप लोग ये देखें वैरायटी शॉप की। ये खुद सिलाई वगैरह भी करते हैं, बेल्ट्स वगैरह भी इनके पास। मैं आपको दिखा रहा हूँ जो जो मुझसे होता है, अब सो आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ से देखने को मिल रहा है, स्पेशली जूनियर से भी देख रहे हैं। ईरानियन आपको शूज़ दिखाते हैं, मुझे ये वाले पसंद आए थे, ये मुझे पाकिस्तान से ही ऐसे डिज़ाइन बहुत पसंद है। लेकिन ईरान में जो मैंने लेने हैं शूज़, इस तरह वाले लेने हैं ताकि हमारी हाइट बहुत बड़ी दिखे, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, छोटे छोटे हो गए हम लोग। तो ये शूज़ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनकी प्राइसेस मैंने नहीं पूछा, क्योंकि वो वाला जो था वो था, मैंने नहीं बल्कि पूछा उनके प्राइसेस। लेकिन शूज़ आप देख सकते हैं बहुत अच्छे, मेरे पास इस तरह के शूज़ हैं, तो जैसे मैं अभी नहीं ले रहा, बाद में लेंगे हम लोग। इन्हें तो वो 3000 के थे, ये मेरे पाकिस्तान में भी ऐसे मिल जाते हैं। शॉप वगैरह आप देख सकते हो, और अगर आपको लॉकेट वगैरह पहनने हो तो ईरान में मोस्टली लोग बहुत सारे पहनते हैं, आप लोग यहाँ से खरीद सकते हो। बाकी ये कोट वगैरह की ये फिर से दोबारा ये ले नहीं रहा, बट मैंने ऐसे ही ट्राई की शाइनिंग वाली, जिसे आपने फिल्मों में देखा होगा पहनी होती हैं, तो इट्स टू डिफरेंट वेट, बट मैंने कहा जस्ट ट्राई कर लो। ऐसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शाइनिंग है सारी। ये जीन्स की शर्ट थी, तो आलियान ने बोली है मैं कितने की पड़ी है, 2100 सारा 1800 की पड़ी ना, 200 नियर अबाउट 1800-1900 में पड़ी, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ थी तो हमने ले ली। एक ही शॉप से हम लोगों ने इतनी सारी शॉपिंग कर ली, मुझे भी 2 शर्ट पसंद है, मैंने शॉपिंग करनी नहीं थी बस ले लिया। आलियान ये कोट ले रहा है कितने में, तकरीबन 2018-1900 में ऐसे में पड़ रहा है पाकिस्तान में, लेकिन मतलब ये हमें सस्ता लगा था। बाकी शर्ट्स मेरा थोड़ा दिल आ गया था, हाई नेक टाइप थी ना, वो मुझे लेनी थी बस मैंने ले ली, लेकिन आई थिंक पाकिस्तानी रेट से डिफरेंट होगा, लेकिन अब हर जगह महंगाई है तो ये सही है। हमने इतना सोचा नहीं था जितना हमने ना जाके एक ही दुकान से ले लिया, हमने कहा था पूरा बाज़ार देख लिया, एक ही इसी दुकान पर गए ये वाले थे
और सब कुछ वहीं से ले लिया। ये देखें भी शॉपिंग हो गई हमारी, कुछ चीज़ें रहती हैं, आप देखते हैं हमें आगे कुछ शॉप में पसंद आते हैं चीज़ें, और पछतावा होता है या नहीं कि हमने एक ही दुकान सब कुछ ले लिया। सलाम। तो ये शॉप थी, यहाँ आए थे हमने शूज़ लेने थे और कुछ इस जो ग्रे के सामने है, आप गैस करो कौन से बस पसंद आ गए तो हमने ले लिए। थैंक यू तशक्कुर। आए हम लोग आलियान की शॉपिंग करने थे और आलियान के साथ साथ मैंने भी हर जगह से कुछ ना कुछ ले लिया। अब देखते हैं कि मज़ीद हमें ये जहदान के बलोची लोग यहाँ पे आए। अब हम आगे, मुझे कह लगता है कहीं किसी और चीज़ें पसंद ना आने, मुझे ये डर है बस। और हमने अब क्या बाकी हमारा रह गया, ये वाले बर्तन बहुत खूबसूरत होते हैं यार जो यहाँ पे। आज पहले से ज़्यादा रश है, मैंने बताया था ना उस दिन जुमेरात और छुट्टी होती है। देखो भैया, मुझे आप खुद पे हैरान की हो रही है कि हमने शॉपिंग इतनी सारी कर ली। बस भी आ रही है भाई, खयाबान मेहंदी की मेट्रो की बस है ये भाई, यही मेट्रो वाली बस है। चलो सुनो क्रॉस कर ले, इसके बाद कर ले तो रुक जाएगा वो। शॉपिंग करते पता भी नहीं चला कैसे कहाँ कर लिया। अब हमारे पास एक जीन्स बस रहती है, शायद मुझे कोई ट्रोज़र पसंद आया जो मुझे अभी पसंद नहीं आया। सारे शॉपर हमने उठाए हुए हैं कि मैं ना भूल गया था कि आलियान भूल गया था आलियान की भूलने क्या, फिर मैंने कहा यार मैंने तस्वीर बनानी है थंबनेल के लिए, तो और शॉपर की तरह फिर या तो शॉप पे ही छोड़ के आ रहे थे हम। ये देखें व्लॉगिंग के चक्कर में मुझसे बोतल घिर गई क्योंकि हमने शॉपिंग कर ली। ये देखो मेट्रो भी थे सामने आ गया, मेट्रो का ये स्टॉप है। भूख लगी थी तो हमने ये पेस्ट्रीज कुछ ली और ये बोतल। ये शॉपिंग भी हो गई, इसकी पेंट का काम था वो भी हो गया है। पेंटें बहुत महंगी हैं यहाँ पे अगर देखा जाए। जब मैंने आना था तो मुझे मैम ने तब कहा था कि पेंटें बहुत महंगी होती हैं जीन्स वगैरह, लेकिन शर्टें चलो सही हैं काट रहा है।